Hi friends, welcome back to my channel. Today we are going to make soy kebab, soy chunks kebab. अगर आपका मन नॉन वेज खाने का हो और आप खा नहीं सकते हो तो आप ये सोए कबाब ज़रूर बनाइए। ये बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है मटन कबाब का और बहुत ही सिमिलर इसकी टेस्ट है, तो आप ज़रूर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप सोए चंक्स को गर्म पानी में भिगाओ, मैंने 2 कप लिया है। अब मसाले देखते हैं। मसाले में मैंने लिया है 1/4 स्पून मैंने जीरा लिया है, फिर मैंने 1/4 स्पून मैंने लवंग लिया है, क्लोव लिए है, फिर ब्लैक पेपर लिया है, 7-8 लीजिए, ज़्यादा नहीं लीजिए। फिर मैंने जावित्री लिया है एक छोटा सा फूल, और फिर मैंने दालचीनी ली है 2 स्मॉल स्टिक्स है, और 5-6 मैंने रेड चिलीज ली है ड्राई वाली, और 2-3 बे लीव्स है, तेज पत्ता, और 2 मैंने मसाला का जो कार्डमम होते हैं मसाला इलायची डैट हैड टेकन, तो इस सबको हम ग्राइंड करेंगे। और लिया है मैंने हरा धनिया, पुदीना और 3 ग्रीन चिलीज। एक बड़ा प्याज लिया है मैंने, और लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 2 स्पून, और 1 बड़ा सा स्पून मैंने लेमन जूस लिया है। और बाइंडिंग के लिए मैंने 1/2 कप बेसन लिया है, हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है पहले। हम सोए चंक्स जो मैंने भिगा के रखा था उसका पानी सब निचोड़ के निकाल देंगे और इसको मिक्सी में ग्राइंड करके लेंगे। मैंने ब्लेंडर को मिंस में रखा है, उसमें एक ऑप्शन होता है ब्लेंडर में, तो मिंस किया है मैंने ताकि वो फिर वो श्रेडेड दिखे और मटन की तरह दिखे। देखिए सब रेडी हो चुका है, मैंने ब्लेंडर में अच्छे से उसको मिंस किया है, और आनियंस देखिए उसको भी मैंने बारीक मिंस किया है, ग्रीन चिल्ली से उसको मिंस किया है, बारीक काटा है पुदीना, और देन हरा धनिया उसको ग्रीन चिलीज, एंड अभी जो गरम मसाला है मैंने ये ड्राई अच्छे से उसको भी ब्लेंडर से बारीक करके निकाला है अलग से, अभी ये भी मैं डाल रही हूँ। अभी लेमन जूस डालेंगे इसमें और नमक भी डालेंगे, ये सब इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको मिक्स करेंगे हम, और इंक्लूडिंग दैट चना आटा बेसन। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से दिख रहा है श्रेडेड वन। आप अगर ग्राइंडर में ग्राइंड करते हो और बारीक इसको आटे जैसे करते हो तो खाने में मज़ा नहीं आएगा, आपको फील भी नहीं होगा कि आप मटन के कबाब खा रहे हो या कुछ कबाब जैसा कुछ खा रहे हो। तो ऐसा करोगे तो बहुत लजीज लगेगा। अब इसीलिए मुझे अंडे भी डालने पड़ेंगे बाइंडिंग के लिए। अगर आप वैसे आटे जैसे करते हो तो फिर अंडे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और अंडा डालो आप, उससे टेस्ट भी आएगा और बाइंडिंग भी अच्छी होगी। कबाब के शेप आप पहले राउंड दीजिए, बॉल की तरह बनाइए, और जब आप पैन में डालोगे तभी उसको थोड़ा फैला दीजिए हाथों से। पैन में डालते वक्त आपको ये बहुत ही लूज लगेगा, मगर डरने की बात नहीं है, जैसे जैसे वो फ्राई होता जाएगा तो उसको ग्रिप आ जाएगी और वो स्टिफ हो जाएगी। देखिए अभी इसको पलटेंगे हम, मैंने इसको ज़रा भी हिलाया नहीं था, तो देखिए अच्छे से स्टीफ हो गया है। अब देख सकते हैं इसका कलर भी गोल्डन आ चुका है। देखिए हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं, देखिए अच्छे से गोल्डन हो गए,
और कबाब की शक्ल भी उसकी कितनी अच्छी दिख रही है। कोई नहीं बोलेगा कि सोए के कबाब है, ये मटन कबाब करके आप परोसिए, ज़रूर सब मटन कबाब समझ के खाएंगे। तो लीजिए, तैयार है सोए चंक्स कबाब्स। कबाब्स को पुदीने की चटनी के साथ सर्व कीजिए, आनियन और लेमन्स के साथ, बहुत ही लजीज लगते हैं। तो गाइस, ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। देन फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।